बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। वेलकम कहती हूँ मैं आपको मिसेज असद ब्लॉग में। तो जनाब, आज हम बना रहे हैं, यहाँ पे मैंने 1 किलो आलू लिया है, उसे मैंने बॉईल कर लिया है, और गाजर लिए मैंने 2 मीडियम साइज की, उसे कद्दूकश कर ली है। गाजर मैंने डाली है, आपकी मर्जी है आप डालें या ना डालें, मगर मैं इसलिए डालती हूँ कि इस बहाने बच्चों को थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी चली जाती है। इसमें आप मटर भी बॉईल करके सब डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं बारीक काट के, कि इस बहाने से बच्चों के पेट में सब्जी तो जाए। चलें, ठीक है। मैंने 2 मीडियम साइज की गाजर ली है जो मैंने कद्दूकश कर ली है, 1 किलो बॉयल आलू है। अब इसमें स्पाइसेस आपको बताती हूँ। 1 टेस्पून चाट मसाला, 1 टेस्पून जीरा काली मिर्च पिसी हुई, 1 टेस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, इन सबको हम इसमें डालेंगे इसको मैश करने के बाद। फिर ये है 1 टीस्पून नमक। अब हम इसे मैश करते हैं। देखिए, अब हमने इसको अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस मिला देते हैं। स्पाइसेस सारे मैंने आपको बता दिया था, 1 टीस्पून है चाट मसाला, 1 टीस्पून, 1 टीस्पून जीरा काली मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, इसको इसमें डालेंगे, और 1 टीस्पून है इसमें नमक। 1 कप मैंने बॉइल चिकन लिया है, इसको पीसेस बारीक बारीक रेशो में कर दिया था, ये भी इसमें जाएगा। अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मैश करते हैं। ये रेसिपी जो है चिकन और आलू के कटलेट्स जो है वो मेरे बच्चों को बेतहाशा पसंद है। शाम की चाय के साथ बड़े भी खा सकते हैं, वरना बच्चों की ये बहुत सबसे ज़्यादा फेवरेट डिश होती है, फेवरेट चीज़ होती है कि बस ये बनाए। बहुत अच्छी तरीके से देखिए मिक्स हो गया है, चिकन भी मिक्स हो गई है, आलू गाजर सब बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अदन मेरे सर पे खड़ा हुआ है कि कब बने और कब ये खाए। अब ले लेंगे, 2 अंडे ले लिया है मैंने, यहाँ पे मैंने 2 एग ले लिए, अंडे ले लिए हैं 2, और इस पे तकरीबन मैं क्वार्टर समझिए 1 चम्मच का, 1 क्वार्टर जो हिस्सा नमक का होता है वो डाला है, काली मिर्च पिसी हुई डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून, ये देखिए मैंने लिया, अब इसको अंडे में टिप करना है, फिर ब्रेड क्रम्स लगाना है, ये हो गया रेडी। सही, अब इस तरह मैं सब कुछ बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए मैंने सब बना लिया है, ये सारे कटलेट्स बना लिए है, अब मैं इसको फ्राई करके रहा, ठीक है। चल फ्राई करके, जबरदस्त से हमारे तैयार हैं ये आलू चिकन के कटलेट्स, तो एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज, मिलती हूँ आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफिज।